बैक टू माई चैनल। आज हम बना रहे हैं वेज मैगी। वेज मैगी सबको बहुत पसंद है, तो इसे मैं थोड़ा भून के बनाऊंगी, जैसे कि बॉईल करके नहीं बनाऊंगी। मैंने ये मैगी लिया है एक पैकेट, ये इसका टेस्ट मेकर है। और सब्जियां मैंने ली है, प्याज, मटर, टमाटर, पत्ता गोभी, हरी मिर्च, आपको तीखा जितना पसंद हो सबसे लीजिएगा। और मैंने इसमें मसाले, बिल्कुल जो बेसिक मसाले हम डेली यूज करते हैं वही लिया है। हल्दी लिया है मैंने, पिंच ऑफ हल्दी लिया है मैंने चुटकी भर। और हाफ टी स्पून मैंने धनिया लिया है, हाफ टी स्पून मैंने नमक लिया, हाफ टी स्पून मैंने लाल मिर्च लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। तो सबसे पहले अपनी सब्जियों को भून लेते हैं अच्छे से। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी वेज मैगी। अगर आपके बच्चों को और भी कोई सब्जी पसंद है तो वो भी डाल सकते हैं, जैसे कि मशरूम हो गया, स्वीट कॉर्न हो गया, कैप्सिकम हो गया, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये गर्म हो रहा है, ये मैंने मीडियम रखी है, इसी मीडियम फ्लेम में मैं प्याज डाल दूँ। सब्जियाँ आप अपने हिसाब से लीजिएगा, आपको जितना खाने में पसंद हो। मैंने ज़्यादातर हाफ हाफ कप में लिया है, मैंने हाफ कप अनियन लिया है, हाफ कप मटर लिए, हाफ कप पत्ता गोभी लिया है, एक छोटा टमाटर मैंने काटा है, मतलब 2 टेबल स्पून करीब मैंने चॉप्ड टमाटोज लिए हैं और थोड़ा सा धनिया पत्ती। तो ये सौते हो रहा है, इसके साथ साथ हम ये मटर डाल देते, पत्ता गोभी डाल दिया, इसको 1-2 मिनट चलाते हैं, फिर टमाटर डालते हैं। इसे कुछ जलाना नहीं है हमें, बस कच्चापन निकालना है इसका डाल। अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं, और हमारे मसाले भी। भूनते हैं 1 मिनट, फिर से हाफ कप पानी डाला है, धनिया पत्ती ही डाल देते हैं इसके ऊपर। हमने हाफ कप पानी डाला है ताकि हमारा मसाला जले नहीं। तो अब टमाटर गल गया है, अब ये मसाला बन गया है। इसमें मैंने पानी डाल दिया है 400 ml, इसमें मैं मैगी डाल रही हूँ अपनी। आपको तोड़ के डालना तो मैगी तोड़ के भी डाल सकते हैं, मुझे ऐसे ही पसंद है ताकि वो लंबी स्ट्रैंड्स उसकी बने। इसमें टेस्ट मेकर भी डाल दिया, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं चलाते हुए, और इसको ढक्कन रख के 6-7 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर पलटेंगे। ढक्कन रख रहे हैं, ढक्कन रखना इसलिए जरूरी है ताकि आपके मटर अच्छे से पक जाए अंदर से। देखिए कितनी बढ़िया मैगी बन रही है हमारी, ये देखिएगा इस फ्लेम ऑफ कर दी मैंने, और तो ये हमारी मैगी बिल्कुल तैयार हो गई। इसको बाउल में डाल लेते हैं और 7-8 मिनट में रेडी हो गई है। ये देखिए गाइस, हमारी वेजिटेबल मैगी तैयार हो गई। आप भी ट्राई करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। थैंक यू।